the message of Imam Hussein we need to understand that we need to fight hate with love. We need to rise above hate. Hamzulm ka marham se zakhm marham se With this, I would like to call upon our next speaker of the evening, Mufti Sayyid Bahar Arshad Khazmi Saab, President All India Mili Council, Karnataka. Kindly welcome him with a loud salawat.

दानीश्वरान मुल्क खादिन कर मुख्तलिफ़ मब के रहनुमा हजरत आज हमारे सामने खूबसूरत महफिल जिलों को जोड़ने के लिए मुलाक्त की गई है जिलों का जोड़ना तमाम कम्युनिटीज़ को आपस में मिलाना बल्कि यूँ कहिए कि ह्यूमैनिटी की इंसानियत की खदमत के तौर पर आज का अजलास याद रखा जाएगा और ये हिस्टोरिकल इजलास होगा इमाम हुसैन असलातम का पैगाम आपका मिशन आपकी जिंदगी और जिंदगी का एक एक गोशा इस बात पर मबनी है कि अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया की इसलह के लिए भेजा और आपने जो करबला में जंग की वो यजीद के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि वो यजीजियत के खिलाफ थी जिसने उसको बहकाया था कि वो घरान नबी की शख्सियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तो वो खत्म करने के लिए और उनके उनके घर वालों को नीस्त नाबूद करने के लिए बड़ा था लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि हुसैन तुम ना ख़त्म हो सकते हो और ना तुम्हारे चाहने वाले ख़त्म हो सकते हैं तुम्हारी आवाज़ रहेगी खयामत तक तुम्हारी आवाज़ रहेगी दिलों को जोड़ने के लिए लोगों को जोड़ने के लिए हसद को निकालने के लिए दुश्मनी को निकालने के लिए और लोगों के दरमियान में जो टर क़ायम किया गया है और जो दहशत तारी की गई है उसको ख़त्म करने के लिए अरे हुसैन तुम्हें दुनिया में रहना है और तुमने जो पैगाम करबला में दिया था तुम्हारे मानने वाले खयामत तक तुम्हारे पैगाम को आम करेंगे आज की यह महफिल इमाम हुसैन की महफिल है आज की यह महफिल इमाम हुसैन के पैगाम को आम करने के लिए मनाई गई है और इस बात का यह सबूत है कि हुसैन जिंदा है जैसा कि अभी पेश मुखर ने कहा कि हुसैन दिलों में जिंदा है हुसैन हमारे नजरियात में जिंदा है हुसैन हमारे अफकार में जिंदा है आज दुनिया में जो भी अच्छा काम होता है ये समझना चाहिए कि ये हुसैन की महून मन्नत है मख्तसर तौर पर एक पैगाम ये है ह्यूमैनिटी आज लोग कहते हैं कि दुनिया मुट्ठी में है बल्कि मैं कहता हूँ कि दुनिया सिर्फ ये उंगलियों में है कि हम सिर्फ ये बटन दबाते हैं पूरी दुनिया हमारी आंखों के सामने आ जाती है दुनिया सामने तो आ गई है लेकिन लोग प्रैक्टिकली तौर पर एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं रास्ता खत्म हो गया है कम्युनिकेशन हमारा दरमियान में है हमारे दिमागों का है लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर नहीं है इमाम हुसैन ने करबला के अंदर आपने जो कदम उठाया था इसकी जरूरत क्या थी जैसा कि कहा गया कि अगर आप कहते कि अल्लाह ताला से कहते मुझे पानी चाहिए तो मैं कसम खुदा की तो पूरा करबला समंदर हो जाता और इमाम हुसैन के सामने आ जाता लेकिन अल्लाह ताला ने तमतहान लिया क्यों इम्तहान लिया नबी के घर से नबी के नवासे से यह काम इसलिए लिया कि हुसैन ने जो काम किया वो अम्बियाई मिशन था और अम्बियाई मिशन क्या है कि तुम तुम खैरा उम्मन उखरीजतनास लोगों के लिए तुम्हें निकाली गई है और तुम लोगों के लिए काम करोगे आज दुनिया के अंदर जो टेररिज्म है आज दुनिया के अंदर जो नफरत है आज दुनिया के अंदर जो लोगों की दूरी बढ़ती जा रही है उसके लिए हमें ज़रूरत है कि पैगाम इमाम हुसैन को आगे बढ़ाएँ और लोगों को बताएं कि इस्लाम एक अमन का प्याम्बर मज़हब है इस्लाम लोग कौमों को जोड़ता है और इस्लाम ने रसूल अकम ने शाद फरमाया आपने ये कहा कि तमाम इंसान आपस में भाई भाई हैं आपने ये नहीं कहा कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं बल्कि अल्लाह के सुन ने शाद फरमाया अल्लाह कि तमाम मखलूक अल्लाह का बंदा है अल्लाह का कुंबा है आज ज़रूरत है कि हर बंदे के दिल में ये बात पैदा की जाए आज जो इस्लाम के ताल्लुक से हो या फिर इंसानियत के ताल्लुक से ह्यूमैनिटी के ताल्लुक से जो शुभहात उभर रहे हैं हमें ज़रूरत है कि ऐसी मजालस को मुनक़द करें ऐसे पेशवा ऐसे रहनुमा और ऐसे डिग्निटी जो यहाँ पर मौजूद हैं इनको बुलाएँ और इनसे बातें करें और कौम के सामने इस बात को पेश करने की ज़रूरत है मैं मुबारकबाद देता हूँ आगा सुल्तान साहब को कि जिन्होंने इस महफिल का इनका किया और यह ट्वेंटी महफिल मुनद की है आपको मुबारकबाद देता हूँ और तमाम आपके साथियों को मैं सलाम करता हूँ कि आपने जमाने की जरूरत को सामने रखते हुए आज इस महफिल को आपने सजाया है मैं इस बात पर आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने मुझे कुछ यहाँ पर बयान करने के लिए कुछ अल्फाज को रखने के लिए और कुछ ख्याल रखने के लिए आपने मुझे, मुझे मजबूर किया शुक्रिया जजाकमल खैरा वासन जजा